हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, जो आप पेड़ देख रहे हैं 112 वैरायटी का है और इस पेड़ की एज 8 महीने है भाई। आप देख लो कितना शानदार पेड़ चल रहा है। मैं आपको पेड़ अंदर से भी दिखाऊंगा और आज आपको ये भी बताऊंगा कि 112 वैरायटी 109 और 110 से ख़राब है या बढ़िया है, कैसी है, पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा आपको। लो हम किसान भाइयों खेत में चलते हैं और दिखाते हैं आपको भाई। ये 8 महीने का पेड़ है 112 वैरायटी का। पहले तो आप पहचान करो इस पेड़ की। देखो सबसे पहले तो पहचान है भाई। देखो इस टाइप का पेड़ रहेगा 112 का। ये देख लो भाई, मेरा 8-9 इंच का हाथ है और इसमें भी आ नहीं रहा है। आप देखो कितना बेहतरीन पेड़ चल रहा। देखो मैं आपको दिखाऊं। देखो भाई ये 8 महीने का पेड़ है। देखो गन्ना खड़ा है इसमें बोर्ड। आप देखो कितना शानदार पेड़ चल रहा है। देखो इस पे शाखाएं ज़्यादा होती है, हरापन पेड़ में ज़्यादा होता है मेरे भाई। और पत्ता भी सबसे लेट गिरता है, इसकी पहचान ये है। और अगर आप कहीं नर्सरी में जा रहे हैं कि कोई नर्सरी वाला आपको बता रहा कि 112 वैरायटी है और आप पहचान नहीं कर पा रहे, हम आज उस बारे में बताएंगे कि आप पहचान कैसे करें 112 वैरायटी है या नहीं है। तो हम आज आपको पहचान बताते हैं। देखो ये जो पेड़ है इसकी शाखाएं हमने नीचे कर ली। और देखो आप कोशिश करो अगर आपको दिख जाए, ये जो कालस आती है ना, ये आपकी पौध पे भी ऐसी कालस आएगी पेड़ पे। ये ऐसे कालस आनी शुरू हो जाएगी आपको 112 वैरायटी पे। ये इसकी पहचान है। देखो पत्ता गिरने के बाद ही ऐसा ही हो जाता है, पत्ते में भी ऐसा ही होगा। देखो मैं आज आपको पहचान भी दिखा रहा हूँ। देखो ये पहचान है भाई 112 की। देखो ऐसी कलस आ जाती है नीचे जहाँ से टहनियाँ गिर जाती है, तो आपको पौध पे ऐसी अगर कलस दिख रही है तो 112 वैरायटी है भाई। आप देख लो ये भी पेड़ कितना शानदार पेड़ चल रहा। आप देख लो थोड़ा सा तिरछा तो ज़रूर होता है, ऊपर से फिर सीधा हो जाता है, लेकिन पेड़ बहुत बेहतरीन है। तो अगर देखा जाए 109 और 110 से कम नहीं है भाई। ये भी अच्छी वैरायटी है, आप इसे भी लगा सकते हैं। ये भी किसानों के हक की वैरायटी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस पेड़ की और बहुत शानदार पेड़ चल रहा। आपको मैं दिखाऊँ, देखो भाई कितना शानदार पेड़ चल रहा। देखो एक दिन हम इसे नाप के दिखाएंगे, अब तो फित्ता नहीं ले रहे। तो भाई आप 112 वैरायटी लगा भी सकते हैं। मैं आपको पहचान भी बता दी कि 112 वैरायटी की नर्सरी में अगर पौध ले रहे तो क्या पहचान होगी। देखो भाई कितना शानदार पेड़ चल रहा। देखो ये देखो भाई नीचे से कितना मोटा हो लिया, 8 महीने का पेड़ है भाई ये। देख लो आप कहाँ रहा है, पूरा हाथ खोल के भी आ नहीं रहा। कम से कम नीचे से तो 16-17 इंची पेड़ हो गया होगा भाई ये। तो आप 112 वैरायटी पे भाई लगा सकते हैं। 109, 110 और 111 से ख़राब वैरायटी नहीं मेरे भाई, ये शानदार वैरायटी, आप इसे लगा सकते हैं बेफिक्र। बहुत शानदार पेड़ चलेगा, आपको कोई समस्या नहीं आने की। देखो मैं आपको और भी पेड़ दिखाऊंगा इसमें। देखो भाई देखो ये पूरा प्लाट 112 का है, आप देख सकते हैं इसे, इसकी पहचान भी कर सकते हैं। देखो इस टाइप का इस पे बक्कल आएगा। देखो मैं आपको और भी पेड़ दिखाऊंगा। देखो देखो तो आप इसे भी लगा सकते हो भाई, कोई समस्या नहीं पेड़ को लगाने में भी। और किसान की हक की वैरायटी मेरे भाई, आपको मैं आगे चल के और दिखाऊं। देखो भाई ये देखो ये हरापन रहेगा इस पेड़ में भाई। देखो 8 महीने की भाई ग्रोथ देख लो आप, के हिसाब से कम नहीं है मेरे भाई किसी भी तरह। आपको मैं और भी पेड़ दिखा दूं। देखो भाई कितने शानदार पेड़ चल रहे भाई।
तो आप 112 वैरायटी लगा सकते हो भाई बेफिक्र, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो भाई ये पहचान है इसकी नर्सरी की, ऐसा हो जाता है। देखो अगर आप नर्सरी का पौधा ले रहे तो ये पहचान है इसकी, ऐसे कड़स आ जाती है इस पर। देखो कोई आदमी आपको ठगने का नहीं मेरे भाई, जहाँ से भी आप लोगे आपको पता चल जाएगा कि 112 वैरायटी की क्या पहचान है। देखो मैंने आपको बता दिया, जैसे आप पेड़ लोगे प्लांट लोगे तो वो नीचे से ऐसा हो जाएगा, जब उसकी पत्ते गिर जाएंगे ऐसे कड़स आ जाएगी। देखो आप पहचान करने की कोशिश करना कि सही है या गलत है। देखो कितना बढ़िया प्लांट चल रहा, थोड़ा लव है पेड़ में, तिरछा हो जाता है लेकिन बहुत बढ़िया है, हरापन बहुत है और ग्रोथ भी भाई 9 और 10 से कम नहीं है भाई, किसी भी मामले में कम नहीं है। आपको मैं और भी प्लांट दिखाऊं, देखो भाई टोटल पेड़ का जो ग्रोथ है वो सेम है भाई, देख लो आप कितनी जानदार ग्रोथ चल रही। और ये बॉडी है, ये आलू के खेत में लगाया था, देखो आप कितनी अच्छी ग्रोथ है। मैं एक पेड़ नहीं दिखा रहा, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दिखा दूँ जिससे आपको पहचान भी हो सके। देखो भाई ये जंगली जानवर ने नुकसान भी कर दिया भाई, देखो इसमें लील गहना, लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं, एक साइड का बक्कल अपने आप आ जाएगा भाई, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। मैं आपको और भी प्लांट दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई 112 वैरायटी की पहचान करो और आप इसे लगाओ, कोई समस्या नहीं इस वैरायटी में बेफिक्र, अच्छी किसान की हिक्की वैरायटी है और वेट भी निकलेगा भाई इसमें। देखो अभी मंडी माल तो गया नहीं, लेकिन जैसा इसका पेड़ का हिसाब दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि पेड़ में वेट निकलेगा भाई, हरापन बहुत है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। देखो भाई आप कोशिश करो आप इसकी पहचान करने की, आपसे को 112 कह के 112 दिया भी नहीं दिया, देखो कितना शानदार पेड़ है भाई। और 8 महीने भाई इतनी ग्रोथ होनी बहुत बड़ी बात है कि देखो मैं ये नहीं कहता तैयार हो गया, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है और 3-4 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे किसानों को, कम नहीं मिलने के मेरे भाई, बहुत अच्छी ग्रोथ है। मैं आपको और भी पेड़ दिखाता हूँ, और इन पेड़ की दूरी भाई 14x14 रखी थी। देखो भाई आप देखो, देखो आप पेड़ की पहले पहचान करो मेरे भाई, कोशिश करो पहचान करने की पेड़ की। देखो ये भी जंगली जानवर ने नुकसान कर रखा है पेड़ में, मैंने आपकी पहचान बताई, जो पहचान है वो यही है। देखो ये काला टाइप आती है इसमें, तो कैसी लगी भाई वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। और 112 वैरायटी अगर आपने लगा रखी है तो कैसी चल रही है ये भी ज़रूर बताइए, हमें पता तो चले कमेंट बॉक्स में जब आप मैसेज करेंगे, तो किसान भाइयों को भी अच्छा लगेगा कि 112 वैरायटी लगाएं ना लगाएं और इसमें क्या खूबी है क्या कमियां आपको लगी वो भी कमेंट करके शेयर करो भाइयों से, भाई भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा भाई, ज़रूर किसान भाइयों, धन्यवाद।